हेलो स्टूडेंट्स, वी डबल आई सी में मैं अमित कुमार सोनी आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग एक और वर्ग दो वाले कैंडिडेट्स के लिए अग्रिम रूप से बधाई देता हूं कि अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 10 तारीख से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। मेरा जो वीडियो है वो साइंस वाले उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग दो का एग्ज़ाम दिया है, जो कि पीवी के द्वारा जनवरी और फरवरी माह में कंडक्ट करवाया गया था। इसमें जो है सबसे ज़्यादा टेंशन साइंस सब्जेक्ट से देने वाले स्टूडेंट्स की है, कैंडिडेट्स की है, क्योंकि गवर्नमेंट की शिक्षा नीति के हिसाब से जो है साइंस सब्जेक्ट को पांचवें स्थान पर रख दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जिस माध्यमिक शाला में 140 से अधिक बच्चे होंगे वहीं पर एक साइंस टीचर की, एक बायोलॉजी विज्ञान टीचर की नियुक्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब ये बात कैसे सामने आई, जहां तक एग्जाम लेने का प्रश्न है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गणित और साइंस का एग्जाम्स जो है फरवरी माह में पीवी के द्वारा अलग अलग लिया गया, रिजल्ट भी आ चुका है, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पास भी हो गए हैं, किसी की अच्छी रैंक है, किसी की कम रैंक है और सभी को उम्मीद है कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन स्थिति वहां से ख़राब होती है जब एजुकेशन पोर्टल पर देखा गया कि जो विज्ञान विषय है, बायोलॉजी विज्ञान समूह का जो विषय है, उसमें कई जिलों पर तो पोस्ट की संख्या जीरो है, यानी कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, और कहीं पर जहां पर भी है तो वहां पर वह नील के बराबर है, नाम मात्र है। बस यहीं से एक सुगबुगाहट और लोगों में डर पैदा हो गया, कैंडिडेट्स में डर पैदा हो गया कि क्या पता साइंस की पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी, हमारी नियुक्ति होगी या नहीं होगी, और यदि होगी भी तो कितनी पोस्ट पर होंगी। तो निश्चित रूप से ये तो क्लियर था कि साइंस की पोस्ट बहुत ही कम रहने वाली हैं और उनकी मेहनत जो है बिल्कुल बेकार होने वाली है। लोगों ने बीएड किया है, कई रात दिन रात एक करके उस एग्ज़ाम की तैयारी की, अच्छी रैंक लाए और उम्मीद करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हम टीचर बन जाएं, अपना भविष्य अच्छा रख सकें, अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें। लेकिन इस स्थिति में जबकि शिक्षा नीति में जो है पाँचवें स्थान पर गणित को रख दिया, सॉरी विज्ञान को रख दिया गया है, तो निश्चित रूप से पोस्ट ऑटोमेटिक ही कम हो जाती हैं और बहुत ही कम व्यक्तियों का सिलेक्शन होगा, बहुत ही कम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है कट ऑफ भी बहुत हाई चला जाएगा। मार्क्स कम हैं वो सिलेक्ट होने से वंचित होने की संभावना उनकी प्रबल रूप से बनती है। अब यदि हम आरटीई एक्ट 2009 की बात करें तो इस एक्ट में जो है गणित और विज्ञान को साथ में ही रखा गया है, वो भी पहले स्थान पर, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है आरटीई एक्ट 2009। इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि 50% पोस्ट मैथमेटिक्स की होनी चाहिए और 50% मैथ्स बायोलॉजी साइंस वालों की, लेकिन शिक्षा नीति में बायोलॉजी साइंस वालों को उठा करके पांचवें नंबर पर रख दिया गया है, यानी कि 140 से ऊपर यदि कहीं पर स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तभी वहां पर एक साइंस का टीचर नियुक्त होगा, जबकि गणित विषय को पहले स्थान पर ही रखा गया है। अब इसके संबंध में जो तर्क बताया गया है वो तर्क ये है कि भाई गणित वाले जो हैं उन वो केमिस्ट्री आखिरी तक पढ़ते हैं, यानी कि 12th तक पढ़ते हैं, बीएससी तक, बीएससी में भी उनकी केमिस्ट्री रहती है, इसलिए वो साइंस को आसानी से पढ़ा सकते हैं, लेकिन साइंस वाले मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकते। भाई इस तर्क से जो है आरटीई के रूल्स का क्लियर रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है, और इसीलिए सुशील मेहरा व अन्य कैंडिडेट्स के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने प्रार्थना की, जिसमें निवेदन किया कि आरटीई रूल्स के अनुसार ही टीचर्स की भर्ती की जाए, साइंस टीचर की भर्ती की जाए, मैथमेटिक्स टीचर की भर्ती की जाए। और इस संबंध में कई बार हाई कोर्ट में जब भी डेट लगी वहां पर पेशी के लिए लोक शिक्षण संचालनालय से या शिक्षा विभाग का कोई भी जिम्मेदार ऑफिसर उपस्थित नहीं हुआ, और अंततः ये जो न्यूज़ रही है ये कई
पेपर्स में भी निकली है, दैनिक भास्कर में भी इसकी नियुक्ति इसकी खबर आई है, आप देख सकते हैं। और भी कई जो नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें भी इसके प्रति बढ़िया इसके प्रति रोष व्याप्त था और उसको वहाँ पर भी सर्कुलेट किया गया है, वहाँ पर भी पब्लिश्ड किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न पेपर्स की न्यूज़ है, पेपर्स की कटिंग है, जिसमें बताया गया है कि साइंस की सब्जेक्ट में जो पोस्ट रहेंगी वो बहुत ही कम रहने वाली हैं या बिल्कुल ही निल रहने वाली हैं। इससे भी साइंस के विद्यार्थियों में अत्यंत ही सुखबुगाहट है, उनमें काफी रोष व्याप्त है। चलिए आ जाते हैं हम वापस हाई कोर्ट के निर्णय पर। तो हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक और लेटर निकाला है, जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसमें जो है गवर्नमेंट से या शिक्षा विभाग से यह पूछा गया है कि आप ये बताइए कि आप जो भर्ती कर रहे हैं वो आरटीई रूल्स के अनुसार है या नहीं, और इसमें जो है जवाब देने के लिए डेट भी दी गई है, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। अब चूंकि अब यदि अगली डेट पर वहां का कोई भी अधिकारी उपस्थित हो जाता है तो निश्चित रूप से ये भर्ती चूंकि आरटी एक्ट के अनुसार नहीं हुई है, इन्होंने अपना ही रूल निकाला है कि भाई 140 के ऊपर होना चाहिए और पांचवें स्थान पर इसको रख दिया है, तो निश्चित रूप से कोर्ट में ये कैंडिडेट्स जीत जाएंगे और साइंस वालों की नियुक्ति एक नंबर पर होने पर उनको अधिक चांस मिलेगा, यानी कि अधिक कैंडिडेट्स टीचर बन पाएंगे। अतः ऐसा लग रहा है कि कोर्ट का जो निर्णय रहेगा वो कैंडिडेट्स के पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यदि इसको मान्य नहीं करता है तो स्टूडेंट्स द्वारा बार बार सभी जगह पर ज्ञापन दिए जाएं, उनको बार बार इस संबंध में बताया जाए कि भाई स्टूडेंट्स का भविष्य बहुत खतरे में है, निवेदन किया जाए कि आप लोग जो है आरटीई रूल्स का फॉलो करें और सब लोगों को मिलजुल कर ये काम करना होगा, अन्यथा साइंस वालों की पोस्टें बिल्कुल निल निकलने वाली हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं वहाँ पर विद्यार्थी बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं या मिलते भी हैं तो बहुत कम संख्या में, ऐसे में वहाँ पर विज्ञान टीचर की नियुक्ति नहीं हो पाएगी और वो टीचर बनने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट से सभी कैंडिडेट्स से निवेदन है कि सभी आपस में मिलजुल कर काम करें, एकजुट होकर के काम करें, एक संगठन के रूप में काम करें, जिससे कि सभी का भला हो सके और जिनके मार्क्स कम आए हैं और या फिर जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई रही है उनको भी इसमें मौका मिल सके। ये सभी के भविष्य का सवाल है और अपने भविष्य से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी अनुचित है, हम किसी को भी इस प्रकार से खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। भाई आपका जो रूल्स हैं आरटी के रूल्स हैं आप उसको फॉलो करें, यही हमारा गवर्नमेंट से और अन्य शिक्षण लोक शिक्षण संचालनालय शिक्षा विभाग से निवेदन है कि इस संबंध में विचार किया जाए। धन्यवाद।